हाय फ्रेंड्स, रेजिनियालॉजी अति महत्वपूर्ण सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ये शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। तो ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए RRB में, ग्रुप डी में, बैंक में, रेलवे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। ये आसान से सवाल होते हैं एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। यहाँ पे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक, 40 × 4 = 10, 25 × 5 = 5, 49 × 7 = 7, 11 × 11 ? क्वेश्चन मार्क के जो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे 40, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन चेंज करके डिवाइड का डाल दो तो इसका आंसर आएगा 10। 40 / 4 मतलब इसका आंसर आएगा 10। तो उसी प्रकार 25 / 5 = 5, उसी प्रकार 49 / 7 = 7, तो उसी प्रकार 11 / 11 = 1, तो इसका आंसर आता है 1। 1 इज़ अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 / 4 = 11, 4 / 5 = 39, 5 / 6 = 89, 6 / 7 ? क्वेश्चन मार्क की जगह हमें संख्या ज्ञात करनी है। ये भी सिंपल है, यहाँ पे थोड़ा अलग ट्रिक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे और यहाँ पे डिवाइड का साइन है, यहाँ पे माइनस करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 3 का क्यूब आता है 27 और 4 का स्क्वायर आता है 16। तो यहाँ पे 27 - 16 = 11, तो इस प्रकार इसका आंसर आता है 11। तो उसी प्रकार हम ये सेकंड वाला 4 का क्यूब - 5 का स्क्वायर, इसका आंसर आता है 39। तो उसी प्रकार 5 का क्यूब - 6 का स्क्वायर, इसका आंसर आता है 89। तो उसी प्रकार हम 6 का क्यूब - 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आता है 167। तो एग्ज़ाम में आपको ये सभी सॉल्व करके नहीं बैठना है, सिर्फ एक सॉल्व किया तो भी चलेगा। तो उसका आंसर आता है अपना 167। तो एक नंबर का ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे 35 + 48 = 40, 23 + 34 = 24, 15 + 25 = 26, 11 + 27 ? जो सॉल्व करना है ये भी आसान है। यहाँ पे 35 + 48 इसको हम रिजॉल्व करेंगे इस प्रकार, 2 इन ब्रैकेट करेंगे, 35 ऐसे लिखेंगे, 3 + 5 + 48 = 4 + 8, और इसका पूरा एडिशन करेंगे तो उसके बाद आंसर आता है 40। तो उसी प्रकार यहाँ का 23 + 34 = उसका आंसर वैसा आता है 2 in bracket 2 + 3 + 3 + 4, तो इसका आंसर आता है 24। उसी प्रकार 15 * 2 in bracket 1 + 5 + 2 + 5 = 26, तो उसी प्रकार 11 * 2 in bracket 1 + 1 + 2 + 1, इसका आंसर आता है 10। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे 44 × 75 = 7454 इसी प्रकार है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें सॉल्व करना है। तो ये भी सिंपल है, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे नंबर्स रिप्लेस किए सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है, दिखने में डिफ़िकल्ट लगता है।
तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सेवन को रिप्लेस किया है यहाँ पे सेवन, फोर को रिप्लेस किया है यहाँ पे फोर, उसी प्रकार फाइव को यहाँ पे फोर फाइव किया है और यहाँ का फोर यहाँ पे रिप्लेस किया है। तो उसी प्रकार 34 मल्टीप्लाई 65 इज इक्वल टू, तो सिक्स को यहाँ पे रिप्लेस किया है सिक्स, यहाँ का सिक्स यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ का फोर यहाँ पे डाल दिया और यहाँ का फाइव इधर डाल दिया और यहाँ का थ्री यहाँ पे। तो उसी प्रकार 24 मल्टीप्लाई 55 इसका, उसी प्रकार फाइव का यहाँ पे फाइव, यहाँ का फोर फोर और यहाँ का फाइव फाइव और यहाँ का टू, उसी प्रकार यहाँ का फोर यहाँ पे फोर, यहाँ का फोर यहाँ पर का फोर, यहाँ का फाइव यहाँ पे फाइव और यहाँ का वन यहाँ पे वन। तो उसी प्रकार यहाँ पे 4451 इज़ अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर। यहाँ पे सिर्फ रिप्लेसमेंट किया है, मतलब यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया है, बाकी कुछ नहीं है। तो फोर नंबर ऑप्शन इज़ ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है पर सिंपल है। यहाँ पे वन अपॉन वाई, मतलब वन डिवाइड बाय वाई, थ्री डिवाइड बाय डब्ल्यू, सिक्स डिवाइड बाय टी, टेन डिवाइड बाय पी और फिफ्टीन डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह सॉल्व करना है, ये भी सिंपल है। यहाँ पे लिखेंगे हम वन डिवाइड बाय वाई, थ्री डिवाइड बाय डब्ल्यू, सिक्स डिवाइड बाय टी, टेन डिवाइड बाय पी, फिफ्टीन डिवाइड बाय व्हाट इज़ नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे वाई और डब्ल्यू में एक्स का डिफरेंस है, मतलब डब्ल्यू के बाद एक्स आता है फिर वाई आता है। यहाँ पे डब्ल्यू और टी में टी के बाद यू आता है, फिर वी आता है, फिर डब्ल्यू आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे पी के बाद, यहाँ पे पी है, पी के बाद क्यू आता है, आर आता है और एस आता है, बाद में टी आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे एल एम एन और ओ, तो इसी प्रकार यहाँ पे एल एम एन ओ और ओ के बाद पी आएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले वाई और डब्ल्यू में एक्स है, फिर डब्ल्यू और टी में यू वी है, फिर टी और पी में क्यू आर एस है, फिर यहाँ पे इसकी जगह आना चाहिए के, के इज़ राइट आंसर, मतलब के बाद एल आएगा, एम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, फिर पी आएगा। मतलब यहाँ पे सिंगल एक है, फिर दो है डिफरेंस, फिर तीन का है और चार का है। तो उसी प्रकार ये अल्टरनेट वन दो तीन चार, ऐसे चार का डिफरेंस है इन सीरीज़ में। तो यहाँ पे के इज़ अ राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर फोर इज़ अ राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस तरह के वीडियो मैं हर रोज़ डालता रहता हूँ, तो आप देखना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।